22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो ऐसे में पूरे देश दुनिया के जो राम भक्त और राम नगरी में तरह तरह के भेंट लेकर पहुंच रहे हैं, ऐसे में आगरा का पेठा, 56 भोग का पेठा ये भगवान राम की नगरी में पहुंचा है। आज ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इसको समर्पित किया जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजा करके इस पेठे को लाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में 56 प्रकार के जो पेठे हैं वो भगवान राम की नगरी में पहुँचे हैं। ये पेठा अभी कुछ देर बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को समर्पित किया जाएगा, दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से राम नगरी में तैयारियाँ चल रही हैं भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, ये देखिए पेठे का मेवे का गदा बनाया गया है। तस्वीरों में देखेंगे आप कि पूरा मेवा से ये गदा बनाया गया, ये गदा भी आज ट्रस्ट को समर्पित किया जाएगा। तो हम इनसे जानना ही चाहेंगे कि भाई साहब ये जो पेठा लेकर के आए किस प्रकार से बना, कितनी शुद्धता के साथ बनाया गया, क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से समर्पित करेंगे। जी आगरा से प्राचीन पेठा से पेठा लेके आए हैं, आगरा से प्राचीन पेठा से पेठा लेके आए हैं। ये 56 प्रकार का पेठा है, ड्राई फ्रूट पेठा है, सादा पेठा है, केसर पेठा है, अंगूरी पेठा है, पान पेठा है, बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें चांदी के बरक्का और सोने के बरक्का ही पेठा है बहुत सारी, और हर्बल कलर से बनाया हुआ है जो ऑर्गेनिक कलर है बिल्कुल, जिससे ये पेठा तैयार करा गया है। और ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो श्री राम के चरणों में हमें पेठा लाने का शुभ अवसर मिला। तो ये कितने लोगों ने इसको बनाया, कब से ये तैयार किया जा रहा है, एक गदा भी आया है, किस तरीके से इसकी तैयारी की? ये गदा ड्राई फ्रूट की बनी हुई है और सोने का बरक लगा हुआ है। और ये पेठे हमको 9 तारीख को हमको खबर आई कि आपको पेठे का भोग लगाना है, तो उसके लिए हमने 4 दिन में इसकी पूरी तैयारी करी और उनके फाउंडर जी आ गए, राजेश अग्रवाल जी। तो ये यही बनाने वाले हैं, फाउंडर यही तैयार किए हैं जी। किस तरीके से ये 56 भोग का जो पेठा भगवान रामलला को समर्पित करने आए हैं, किस तरीके से तैयारियां की गई थी? भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से हमको ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना आगरे के 56 पेठे को लगाया जाए। इसलिए मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, मैं प्राचीन पेठा का संचालन देखता हूँ, करता हूँ। तो हमने ये दिमाग में आया कि क्यों ना 56 प्रकार के पेठे बना के यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी को समर्पित किए जाए, क्योंकि ये खाली पेठा नहीं है, इसको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है और हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि पेठे का असली नाम है कुष्मांडू। और ये भी ऐसी मान्यता है कि पेठे का भोग प्रसादी लगाने से भगवान द्वारा मनवांछित इच्छाएँ पूर्ण की जाती हैं। इसी प्रकार से हमने ये सोचा कि क्यों ना भगवान के श्री चरणों में इसको समर्पित किया जाए। तो हमने अथक प्रयास करके, मेहनत करके 56 प्रकार का पेठा बनाया है, जो प्रभु श्री राम लला जी के दरबार में इसको समर्पित किया जाएगा। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित करते हैं। और इसकी विशेष बात ये बताऊं कि इस तरीके से 56 प्रकार का पेठा थाल में लगा करके रस से 505 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा नगर भ्रमण करके 3 दिन में ये सम्पन्न हुआ है। लाखों आदमियों ने इसके दर्शन किए हैं, अपने आप को धन्य समझा है। जब इसके दर्शन मात्र से लोगों को अपने आप को धन्य कर लिया, तो हम लाए हैं, तो हम ये समझते हैं कि प्रभु की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अब तो भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं, कितने उत्साह है आप? हमको बहुत उत्साह है। शायद हमने कोई ऐसे कितने पुण्य किए होंगे जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे सामने ये मौका मिल रहा है। हम इसको बहुत गौरवान्वित करते हैं, बहुत उल्लासित हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय नारायण। तो लोग जय श्री राम के नारे की गूंज लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे से पूरी अयोध्या गूंज रही है। तो हर व्यक्ति जो भगवान रामलला को अपने आराध्य को समर्पित करना चाहता, समर्पण देना चाहता, वो हर तरह तरह प्रकार के व्यंजन हो या आज आगरे से पेठा पहुंचा है तो 56 भोग का पेठा, तो पूरी रामनगरी में इस समय त्रेता का माहौल है। 22 जनवरी को आराध्य विराजमान होंगे, तो तैयारियाँ पूरी होंगी। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या।